केंद्र सरकार ने 13 अगस्त को नई वाहन स्क्रैप नीति लॉन्च कर दी है। इसमें 15 साल तक के वाहन बेकार घोषित हो जाएंगे या उन्हें नियमित रूप से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। झारखंड में ऐसे वाहनों की संख्या 5,43,000 है जो सीधे बेकार घोषित हो जाएंगे। परिवहन विभाग द्वारा 1 जनवरी 1970 से 31 मार्च 2006 तक के वाहनों की सूची तैयार की गई है। इनमें मोटरसाइकिल, ऑटो, कार, ट्रैक्टर, ट्रेलर, बस समेत अन्य प्रकार के वाहन शामिल है। बताया गया कि केंद्रों के अगले कदम के बाद राज्य में भी स्क्रैप की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद इन वाहनों को सड़क से हटाना होगा और स्क्रैप में भेजना होगा। राज्य में इस समय 15 वर्ष से अधिक पुरानी 1411 एम्बुलेंस है जो स्क्रैप होंगी। वहीं 226 एनिमल एम्बुलेंस भी सूची में है। 17,998 ट्रैक्टर भी है जिनका कमर्शियल इस्तेमाल होता है। राज्य के हजारीबाग और धनबाद जिले में एक जोड़ा वाहन भी है जो बेकार होंगे। इनके अलावा अर्थ मूविंग वाहन, फॉर्कलिफ्ट, गुड्स कैरियर, लाइब्रेरी वैन, कैब, मोपेड, बस, मैक्सी कैब, स्कूटर आदि भी शामिल है।